हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता था कि आपका जो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे इस पर फैसला आज दोपहर बाद मीटिंग हो रही थी। उसमें क्या फैसला लिया गया है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या फैसला आया कि आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे या फिर आपको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। तो इस पर पूरा हम डिस्कशन करेंगे क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है दोस्तों, हमने 9 से 12 तक के लिए पर्टिकुलर चैनल को लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों, 9 से 12 तक यहां पर आपको सिर्फ एक क्लास की ही वीडियो देखने को मिलेगी, यानी कि क्लास 9th का हुआ तो इसमें सिर्फ आपको क्लास 9th की वीडियो देखने को मिलेगी। तो सभी सब्जेक्ट के हमने चैनल को लॉन्च कर दिया है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जाकर आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं भोपाल समाचार 26 अप्रैल 2021 को ये न्यूज़ निकली है। इसका हम आपको बताएंगे कि ये न्यूज़ कहाँ से निकली है, प्रूफ भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं MP बोर्ड 10वीं की जनरल प्रमोशन 12वीं का फैसला सुरक्षित है। यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल न्यूज़, यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल समाचार को एडिटिंग नहीं की गई है, भोपाल समाचार है, ठीक है। इसके बाद यहां पर नीचे स्क्रॉल करने पर पता चलता है कि भोपाल समाचार की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर क्या कुछ बताएगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वीं की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं करने की संभावना बता दी है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आज से पहले इस प्रक्रिया को जनरल प्रमोशन कहते थे, परंतु इस बार इसे कोई नया नाम दिया जाएगा क्योंकि विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के नाम पर पास किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हमको आपको बता दें कि कक्षा 10वीं की यहां पर बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी और यहां पर उन्हें जनरल प्रमोशन नाम नहीं दिया जाएगा, कोई और नाम दिया जाएगा। और वहां पर आपको 11वीं के सभी छात्रों को 11वीं में प्रवेश दिया। अगर आप क्लास 6, 9, 10 और 12 के छात्र हैं तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए कॉम्बैट कंपटीशन लेकर आ चुका है। ये कॉम्बैट कंपटीशन 2 मई तक चलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इनरोल कर लेना। तो दोस्तों, कॉम्बैट कॉम्पिटिशन में देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको 30 सुपर क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपका 60 मिनट का समय रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों वीकली कॉम्बैट टेस्ट होते रहेंगे। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइव रेटिंग देखने को मिलेगी, अवार्ड देखने को मिलेंगे और स्कोर लीडर बोर्ड्स भी आप यहां से चेक कर पाएंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर भूल जाते हैं तो इनका डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको बेस्ट एजुकेटर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों यहां पर इसकी खास बात क्या रहेगी दोस्तों, यहां पर आपको कॉम्बैट विद द बेस्ट एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस भी देखने का मौका मिल सकता है। अगर आप रैंक 1 से 3 तक आते हैं तो कम्प्लीटली अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स आपको दिया जाएगा 1 साल के लिए। अगर 4 से 10 पे आते हैं तो 50% आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और 11 से 50 के बीच आते हैं तो 50% अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो फ्रेंड, आप तब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड करके प्रश्न जरूर पूछें। दिया जाएगा, ठीक है, कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया जाएगा। और क्या न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है यह हमको बता दें, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं MP बोर्ड 12वीं परीक्षा का फैसला सुरक्षित। तो यहाँ पर 12वीं छात्रों के लिए क्या फैसला लिया गया ये देख लेते हैं, क्योंकि 12वीं हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज एडमिशन एवं कैरियर के सभी विकल्प ओपन होते हैं, इसलिए परीक्षा का आयोजन होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग का सूत्रों का कहना है कि आज की मीटिंग में इस बात का फैसला हुआ है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी अथवा ऑनलाइन, जबकि परिस्थिति बता रही है कि सरकार फिलहाल कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। नवीन शिक्षा सत्र को समय पर शुरू करने के लिए जून में परीक्षा होना अति अनिवार्य है, परंतु कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिस तरह की तैयारियां सरकार कर रही है उसके हिसाब से जून के अंत तक संक्रमण 5% से नीचे आने की संभावना नहीं है। यदि संक्रमण की स्थिति में सरकार ने परीक्षा कराई तो पेरेंट्स सरकार को फाइल कर देंगे। तो देख सकते हैं पेरेंट्स सरकार को फाइल कर सकते हैं। तो इस वक्त की यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो 12th पर अभी कोई डिस्कशन नहीं आया और दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर इनकी कोई सोर्स के वगैरह ये न्यूज़ निकली होगी भोपाल समाचार के द्वारा। तो यहाँ पर एक क्लियर बात तो ये हो चुकी है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएंगी, ये तो क्लियर है। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए यहाँ पर उन्होंने एक बात एक संकेत जरूर दे दिया कि आपकी जो परीक्षा होंगी वो जून में ली जाएंगी, लेकिन जून में तब ली जाएंगी जब कोरोना संक्रमण की स्थिति कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जैसे ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो ये क्योंकि ये भोपाल का न्यूज चैनल है और भोपाल में बैठक की गई थी तो इन्हें कुछ ना कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली होगी, तो इसी के हवाले से इन्होंने ये
आर्टिकल लिखा है और इसी के हवाले से हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं। तो ये एक बात तो क्लियर हो जाती है यहाँ से कि दसवीं की आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी और यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको पास किया जाएगा। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने भी आपको पहले ही पास सीबीएसई बोर्ड ने भी दसवीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया था, उसी के आधार पर एमपी बोर्ड ने भी एज अ टेस्ट कॉपी किया है यहाँ पर। लेकिन अब जैसे ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा तो हम उसकी आपको ऑफिशियल नोटिस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ट्वेल्थ वाले छात्रों के लिए अभी भी आपसे कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। यहाँ पर जनरल प्रमोशन की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। तो अगर कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर लगता है 8 से 9 के बीच में या फिर 10 बजे तक तो जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल SKT। धन्यवाद।